हमारे साथ है हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी। सर सर, हम देख रहे हैं लगातार मशक्कत आपके तरफ से की जा रही है, दिन भर रात में भी आप राउंड्स कर रहे हैं, फिलहाल मौजूदा हालात यहाँ पर क्या है? देखिए, मौजूदा हालात काफ़ी सामान्य हो चुके हैं, अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, ट्रैफिक भी नॉर्मल हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे दुकानें कुछ खुली हुई हैं, लेकिन हम लोग 144 प्रमलगेट करके लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना आपका जरूरत है उतना जरूरत का काम कीजिए, अदरवाइज अननेसेसरी कोई जमावड़ा कोई गैदरिंग नहीं होगा कि जहाँ पे 5 लोग या उससे ज़्यादा लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी जो रिक्वायर्ड नहीं उस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सर, बीजेपी की तरफ से एक बुलावा आया है कि वो लोग तय किए, MP जो है सुकांत मजुमदार, जो बाकायदा यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पर आज पहुँचना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, क्या उन्हें इजाज़त दी जाएगी? देखिए, 144 एरिया जहाँ पे 144 है वहाँ हमारा सभी से एक ही अनुरोध है कि अभी 144 एरिया को उसको वायलेट ना करें। हम लोग उसके लिए हमारे पुलिस का बंदोबस्त भी है, पब्लिक से भी हमारा अनुरोध है और जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है सभी से हमने एक ही अनुरोध किया हुआ है। खैर, क्या हुआ अगर कोशिश करेंगे यहाँ पर पहुँचने की तो क्या रोका जाएगा? बाकी हम सिचुएशन जैसा होगा वैसा हम लोग डिसाइड करेंगे। कब तक ये 144 है जो है जारी रहे? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हम लोग असेसमेंट करते हैं, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो हम लोग 144। आपने बता दिए कि यहाँ पर धारा 144 है, क्योंकि शायद वो लोग आपसे भी मिलना चाहते हैं, उनकी जो बताई गई है बीजेपी से, वो कहते हैं सुकांत मजुमदार आपसे खासकर मिलना चाहते हैं। जैसा सिचुएशन होगा, जैसा कम्युनिकेशन मेरे पास आएगा, अकॉर्डिंगली वी विल प्लान। लेकिन बाहर से किसी को अभी 144 एरिया में हम लोग अलाउ नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी पुलिस का जो कहना है, कमिश्नर का जो कहना है कि क्योंकि धारा 144 यहाँ पर लागू है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पर किसी को बाहर से आने की और जमाराव करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरा पर्सन श्याम चंद्र घोष के साथ रिक्तिक, हावड़ा से आज तक के लिए।